रंगारंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज छठ व्रती उगते सूरज को अर्घ देंगे और उगते सूरज के अर्घ के साथ ही छठ पूजा संपन्न हो जाएगा। 31 अक्टूबर से चला आ रहा पूजा का आज आखिरी दिन है। ये है क्लम बीच नाला सोपारा, जो कि मुंबई उपनगर है उसका बीच है क्लम बीच। ये देखिए यहाँ पर लोग सूरज निकलने का इंतजार कर रहे हैं। छठ व्रती बीच के किनारे सब बैठे हुए हैं परिवार के साथ, सारी विधि प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। छठ व्रतियों ने कल शाम का अर्घ दिया था, डूबते सूरज का अर्घ दिया था कल, और आज उगते सूरज का अर्घ देंगे। ये देखिए नजारा क्लम बीच का, लोग परिवार के साथ आए हुए हैं, छठ व्रती लोग, बच्चे, परिवार। ये आप देख सकते हैं दूर दूर तक फैला हुआ अरब सागर, सुबह का नजारा है, लहरें उफान मार रही हैं, कुछ लोग अर्घ दे रहे हैं। देखिए छठ व्रती पानी में खड़े होकर के अर्घ देते हैं, सूरज का इंतजार कर रहे हैं, सूरज के उगने का इंतजार कर रहे हैं। छठ व्रती के हाथों में सूप है, सूप में नारियल है, दिया है, सेव है, गन्ना है, संतरा है, और आज सुबह के अर्घ के साथ ही छठ व्रत संपन्न हो जाएगा। 36 घंटों का चला आ रहा छठ व्रतियों का निर्जला उपवास ही संपन्न हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं बच्चे मस्ती कर रहे हैं परिवार के साथ। देखिए समुद्र में खड़े हैं सब छठ व्रती लोग, सूरज उगने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं बच्चे लोग समुद्र की लहरों के साथ अठखेलियां कर रहे हैं। क्या खूबसूरत नजारा है सुबह सुबह का क्लम बीच। आपको बता दूं कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में छठ काफी मशहूर है, लेकिन अब धीरे धीरे देश दुनिया के दूसरे कोनों में भी छठ फैलता जा रहा है, पॉपुलर होता जा रहा है। ये देखिए क्या खूबसूरत नजारा लहरों का, समुद्र की लहरों। ये है मुंबई से सटे नाला सोपारा का क्लम बीच, ये अरब सागर का इलाका, देखिए खूबसूरत नजारा। हाँ हाँ, एक तरफ छठ व्रती उगते सूरज का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो छठ व्रती के साथ फैमिली आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, वो लहरों के साथ अठखेलियां कर रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, वाओ। तो उगते सूरज का अर्घ देंगे छठ व्रती। देखिए सब तैयारी में हैं कि कब सूरज उगे और कब अर्घ दिया जाए। दूर दूर तक फैला अरब सागर। यहां से आप नाला सोपारा बीच, विरार बीच का नजारा देख सकते हैं। देखिए लहरें किस तरह से अटकेलियां कर रही हैं। लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, उत्साह, एक्साइटमेंट। सब पानी में खड़े हुए हैं, उगते सूरज का इंतजार कर रहे हैं अर्घ देने के लिए। क्या खूबसूरत नजारा है।